हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनबी कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। आज टेली ईआरपी 9 की 11वीं क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे बाउचर क्या होता है और कितने टाइप्स के बाउचर होते हैं और किस बाउचर का क्या काम होता है, किसकी क्या शॉर्टकट की होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टेली ईआरपी में बाउचर के बारे में। बाउचर क्या होता है और बाउचर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए व्हाट इज वाउचर इन टेली ईआरपी 9। सबसे पहले बाउचर की डेफिनेशन समझाते हैं। बाउचर का मतलब होता है एक ऐसा पेपर या ऐसी प्रति या पेज जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं माल परचेज कर रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूँ और किसी को पेमेंट भी दे रहा हूँ और रिसीव्ड भी कर रहा हूँ, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर मैं इनको लिखूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। तो इन्हीं सभी लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए हमें अलग अलग पेपर की या कह सकते हैं प्रीति की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं को बाउचर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई बता दूं, माना कोई सामान आपने परचेज किया, कोई सामान आपने सेल किया, कहीं से पेमेंट आया, कहीं से पेमेंट गया, ये सारा हिसाब किताब लिखने के लिए आपको किसी पेपर की जरूरत होती है। तो ये काम हम टेली ईआरपी 9 में बाउचर के अंदर करते हैं। आज की डेट में जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है और डिजिटल में सब काम आसान हो गया है और डिजिटल अकाउंटिंग का काम आसान करने के लिए अब मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर है टेली ईआरपी 9। टेली ईआरपी 9 में भी इन सभी अलग अलग लेन देन को रखने के लिए अलग अलग बाउचर होते हैं, जिन्हें टेली की लैंग्वेज में अकाउंटिंग बाउचर कहा जाता है। अब इन सभी बाउचर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बाउचर, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि माल खरीदना, जो भी माल आप खरीदेंगे वो परचेज ऑफ गुड्स में रखेंगे। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, यानी कि माल बेचना, पेमेंट, यानी किसी से माल खरीदा है तो माल के बदले हमें उसे पेमेंट भी देनी होती है, व्यापार में किसी को सैलरी भी देनी पड़ती है और किराया भी देना पड़ता है। इस लेवल की बहुत सारी एंट्री हमें पेमेंट में करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं आप पेमेंट। इसी तरह से आपका होता है रिसीव, अगर हमने किसी को माल बेचा तो उससे पेमेंट लेना भी पड़ता है, यानी कि रिसीव करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। तो इन सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अलग अलग बाउचर की जरूरत होती है। वैसे टेली ईआरपी में टोटल 22 बाउचर होते हैं। फिलहाल हमें बेसिक कोर्स में केवल 8 ही बाउचर ऐसे होते हैं जो हमारे काम आएंगे, तो फिलहाल हम इन्हीं 8 बाउचर के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला बाउचर होता है हमारा परचेज बाउचर। अगर कोई भी माल हमने परचेज किया, खरीदा, तो इसकी एंट्री हम परचेज बाउचर के अंदर करते हैं। कोई भी माल हो सकता है आपका, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। सेकंड बाउचर सेल बाउचर, कोई भी माल हमने बेचा तो इसकी एंट्री हम सेल बाउचर में करते हैं और जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। आगे होता है पेमेंट बाउचर, आपने किसी को भी नगद या बैंक के द्वारा पेमेंट किया तो आप पेमेंट बाउचर के अंदर एंट्री करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। आगे आता है रिसीव्ड बाउचर, किसी से भी नगद या बैंक के द्वारा रुपए प्राप्त करने पर इस बाउचर में एंट्री की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। आगे आता है आपका कॉन्ट्रा बाउचर, इस बाउचर में केवल 3 ही तरह की एंट्री होती है, जैसे कि नंबर फर्स्ट, नगद रुपए को बैंक में जमा कराएंगे, नंबर सेकंड, नगद रुपए को बैंक से निकलवाएंगे, नंबर थर्ड, एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए जमा कराएं। ये 3 लेवल की एंट्री होती है, 3 टाइप्स की एंट्री होती है, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। आगे नेक्स्ट बाउचर आता है हमारा जनरल बाउचर, किसी भी दूसरे बाउचर की एंट्री और किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है। अब आप कहेंगे जब पेमेंट के लिए पेमेंट बाउचर बना है, रिसीव्ड के लिए रिसीव्ड बना है, परचेज के लिए परचेज बना है, सेल के लिए सेल बना है, फिर ऐसा क्यों है कि जनरल बाउचर में हर एक लेवल की एंट्री की जा सकती है। इसके लिए आपको क्रेडिट और डेबिट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। आगे आता है आपका डेबिट नोट, जो होता है परचेज रिटर्न, इसमें किस लेवल की एंट्री की जाती है, जैसे खरीदा हुआ माल वापस लौटा देने पर इस बाउचर में एंट्री की जाती है। माना कोई भी माल आपने खरीदा, परचेज करा और वो माल आप रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एंट्री डेबिट नोट के अंदर होती है। या हमें किसी के खाते से पैसे काटने हो तो उसकी एंट्री भी आप डेबिट नोट में की जाती है। आगे आता है आपका क्रेडिट नोट, जो होता है सेल रिटर्न, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, इसमें कोई भी सामान हमने परचेज किया है वो सामान हम लौटा रहे हैं, वापिस कर रहे हैं, मतलब खरीदा हुआ माल वापिस लौटा देना, वह एंट्री डेबिट नोट के अंदर की जाती है। और हमें किसी के खाते से पैसे काटने हो तो उसकी एंट्री भी डेबिट नोट में होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl F9। आगे होता है क्रेडिट नोट सेल रिटर्न, इसमें कोई सामान हमने सेल किया, हमने कोई सामान बेचा, वो सामान हमारे पास रिटर्न आ जाता है, तो वो एंट्री आप क्रेडिट नोट में करते हैं, मतलब हमारे द्वारा बेचा गया माल यदि कस्टमर वापस लौटा देता है तब इस बाउचर में एंट्री की जाती है, या हमारे खाते से कोई पैसा काटता है तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट में ही होती है। अब बात करते हैं बाउचर के बारे में, तो ये बाउचर होते कहां पर है, तो देखिए और टेली में बताते हैं। गेटवे ऑफ टेली, ये जो विंडो है गेटवे ऑफ टेली, और इसमें आएंगे आप, नीचे कीबोर्ड से मूव करेंगे और ये अकाउंटिंग बाउचर, हमने भी बाउचर के बारे में बताया और यहां पे शो हो रहा है अकाउंटिंग बाउचर, या तो वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग बाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए अकाउंटिंग वी प्रेस किया, ये देखिए पेमेंट बाउचर ओपन
ऑन हो गया है और जो राइट साइड में जो पैन है बार है बटन बार, इसमें देखिए सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। काउंटर वाउचर भी आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F4 आ रही है, पेमेंट भी आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F5 है, रिसीव्ड भी आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F6 है, और जर्नल भी आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F7 है, और यहाँ पे देखिए सेल भी आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की F8 है, और यहाँ पे क्रेडिट नोट भी आ रहा है। लेकिन ये शो नहीं हो रहा, ये वर्किंग में नहीं है, ये एक्टिव नहीं है। जरूरत के अकॉर्डिंग आप अंदर फ्यूचर में जाने के बाद इन ऑप्शंस को एक्टिव कर सकते हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे जब इनका यूज करेंगे। देखिये परचेज जिसकी शॉर्टकट की F9 है, और डेबिट नोट ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा, ये भी अभी डीएक्टिव है, ये भी अंदर जाके एक्टिव करेंगे। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको कैसे एक्टिवेट करेंगे इन्हें। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जिनके नीचे डबल लाइन आ रही है वो शॉर्टकट कंट्रोल के साथ काम करते हैं, जैसे कि डेबिट नोट है, डेबिट नोट काम करेगा कंट्रोल F9 के साथ, इसी लेवल से क्रेडिट नोट काम करेगा कंट्रोल के साथ F8। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।